हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं जी हमारे एक प्रोजेक्ट में। बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट है हीरो होम्स के नाम पे, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक, हम लोकेशन की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी प्राइम प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ मोहाली। मोहाली में आप बोले भी, यू नेम एनी प्लेस जो मोहाली की प्रोमिनेंट है, दैट इज़ अ थ्रोन अवे प्लेस फ्रॉम हेयर। बहुत पास में आता है जी। इसमें प्रोजेक्ट में लोकेशन ही मायने रखती है। अगर हम कहीं भी घर लेते हैं तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द लोकेशन, ठीक है जी। डेफिनेटली एक बिल्डर का भी नाम होता है, तो इसलिए हम आए हैं हीरो साइकिल्स। आपने बहुत प्रोमिनेंट, किसी भी जगह पर आप रह रहे हैं इंडिया में, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हीरो साइकिल्स। उनका ही ब्रांड है जी, हीरो होम्स के नाम पे जी, मोहाली में। तो हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते हुए, फर्स्ट आई विल शो यू द फ्लैट, फिर हम आगे उसकी डिस्कशन में आगे बातें करेंगे जी। आ जाइए प्लीज़। ये फ्लैट जो है ये 1661 स्क्वायर फीट का है, विथ 3 bedrooms, 3 washrooms एंड स्टोर। आप देख सकते हैं इसकी एंट्री पर ही, बिल्कुल आप एंटर करते कोई रूम की विजिबिलिटी नहीं है, कितनी प्रिवेसी है आप स्टार्टिंग में देखें, ठीक है जी। एंट्रेंस के देख आप कितना, मतलब वाइड ओपन ड्राइंग रूम, डाइनिंग, ब्यूटीफुली डिजाइंड। अगर आप बात करें भी इसके लेआउट की, बिल्कुल एंट्री पर ही स्टोर है। आप बोले भी पूजा रूम भी आप रख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो वेरी फर्स्ट हम चलते हैं जी बेडरूम्स को देखते हुए, तो विल मूव टू किचन। पहले बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम आप देखें भी द साइज ऑफ द रूम, और आपको कोई भी फ्लैट में कोई भी रूम अंधेरे वाला, डिंजी नहीं लगेगा। नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इज अवेलेबल इन ऑल द रूम्स, किसी भी रूम में आप जाते हैं। सॉरी, इट्स ब्यूटिफुल एंड देयर इज अटैच वॉशरूम विद द बेडरूम। सी स्पेशियस अगेन एज आई टोल्ड यू, विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइट। टाइल्स का कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, ना ज़्यादा डार्क हैं ना ज़्यादा लाइट हैं। तो एक वॉशरूम को बड़ी एक एलिगेंट सी, नीट सी लुक आ रही है इसमें। ये जैसे मैं बता रहा था विंडो, साथ में इसके प्रॉपर वेंटिलेशन एग्जॉस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं जी। मेन हम बात करें, जैसे हम स्टार्टिंग में ड्राइंग रूम में आए थे, ड्राइंग रूम के साथ बैल्कनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो इवन विथ फैमिली ऑल्सो यू कैन सिट इन द इवनिंग। प्रॉपर स्पेशियस है, राउंड टेबल लगा के यू कैन सी, 2 chairs इधर 2 chairs इधर। ये नहीं कि भी पतली सी बैल्कनी है, लंबा सा टनल टाइप है, वन साइड चेयर्स लग रही हैं, तो यू कैन ईजिली सी भी चारों तरफ, चारों टेबल रख के हम राउंड टेबल पर बैठ सकते हैं बैल्कनी में। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हमने बोला फर्स्ट बेडरूम, दिस कैन बी यूज एज ए गेस्ट रूम, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये बिल्कुल किचन का आ जाता है, और मैं अगले जो आपको बेडरूम दिखाऊंगा दैट विल बी सेपरेटली, बिल्कुल प्रिवेसी है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, योर फैमिली इज सिटिंग, गेस्ट आ रहे हैं, तो कोई न्यूसेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वो अलग है बिल्कुल। आ जाओ किचन में, आ जाओ जी। किचन में आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर किचन है, बोथ साइड वन, मतलब 2-3 बंदे इजीली यू कैन मूव। नॉर्मली आप फ्लैट्स में देखते हैं अभी किचन में स्पेस कम होती है, तो अगर एक साइड बंदा काम कर रहा है तो दूसरे साइड से ही उसको टक्करें पड़ रही हैं। ये देखिए आप कितना नीटली ग्रेनाइट लगा हुआ है, कर्व्स आर ब्यूटीफुली डन। ये सारी किचन एज इट इज हमारी मिलेगी विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। फ्रिज नहीं होगा इसमें,
अलग अलग अवेलेबिलिटी से सारे चीज़ें डिफरेंट ड्रॉर्स हैं। इसके साथ ही आपको बाहर वॉशिंग पॉइंट दे दिया जाता है वॉशिंग मशीन रखने के लिए। सारे यूनिट में आप देख सकते हैं स्विच पॉइंट्स बड़े नीटली दिए हुए हैं। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट दैट मीन्स अ लॉट। जैसे यहाँ ग्राइंडर के लिए, ठीक है जी, आपकी मिक्सी के लिए, वहाँ एक्वा गार्ड के लिए सिंक के साथ, हीटर गीज़र के लिए सॉरी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने नीटली दिए हुए हैं। कई बार बंदा मिस कर जाता है, पॉइंट्स नहीं दिए होते तो आफ्टर पोजेशन वो बड़ी दिक्कत आती है। ये माइक्रोवेव के लिए इधर पीछे पॉइंट दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी स्टार्टिंग में, अगर ये देखें ये पैसेज है, ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, ये बिल्कुल प्राइवेसी है ये बेडरूम्स की बिल्कुल। हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक वॉशरूम दिया हुआ है बिल्कुल बेडरूम के सामने। दिस इज़ फॉर द गेस्ट और ये बेडरूम के साथ दोनों यूज़ में आ जाता है। अगेन विद लाइट, वेंटिलेशन, मिक्स एंड मैच ऑफ कलर्स ऑफ टाइल्स इज ब्यूटिफुली डन। ये इसके बिल्कुल सामने ये बेडरूम आ जाता है। ये बेडरूम में अगेन यू गेट लाइट विंडोज। This can be used as kids room, you can work, you can make it as a study room, as it is, whatever you feel like. And here comes the master bedroom. Master bedroom बहुत openness आपको feel आएगी जब आप actually देखेंगे। बहुत खुला है with a massive balcony. ये देखिए बैल्कनीज़ में को इस फ्लैट में बड़ा मज़ा आया। अभी बैल्कनीज़ बहुत अच्छी हैं, वेरी स्पेशियस बैल्कनीज़, खुली हैं, बहुत खुली बैल्कनीज़ है। मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं अभी वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, तो ये भी एक बड़ी प्रीमियमनेस फ्लैट के अंदर नज़र आती है इसके साथ वुडन फ्लोर। दिस इज़ वेरी मच पीपल प्रेफर भी फ्लैट में हमारी वुडन फ्लोरिंग हो। वॉशरूम्स एज अगेन स्पेशियस है, खुला, अगेन लाइट आ जाती है इसमें, प्रॉपर खुला बनाया हुआ है। जैसे आप देखते हैं शावर के नॉर्मली साथ में प्रोजेक्ट्स में सीट दे देते हैं तो सीट वेट ही रहती है, तो बिल्कुल एक डिफरेंट कर दिया हुआ है। सीट और शावर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छे बिल्डर के पास यही आने का फ़ायदा है भी, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हार्डली एक कस्टमर नोटिस भी नहीं करता तो वो आपको दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत नहीं आती। भी आफ्टर पोजेशन भी मेरे को ये छोटी छोटी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हर चीज़ को बिल्डर ने बहुत ही ध्यान से छोटी छोटी माइन्यूट छोटी से छोटी चीज़ को बड़े देखा भी, कहाँ डाइनिंग टेबल, कहाँ फ्रिज, कहाँ पूजा रूम, कहाँ स्टोर, कहाँ बेडरूम्स की प्रिवेसी या लाइट या हम बोले भी कॉर्नर। इवन इस फ्लैट्स में अगर आप देखेंगे ओवरऑल हमने जैसे फ्लैट में घूमे मोस्ट ऑफ द फ्लैट, आप किसी भी फ्लैट में आपको रूम में ऐसे नहीं लगाओ भी अंधेरा है बिकॉज दे आर कॉर्नर फ्लैट्स। तो ये एक बड़ा एक बेनिफिशियल पॉइंट। तो ये हमने फ्लैट देखा जी हमारा प्रोजेक्ट का हीरो होम्स का। तो सिर्फ फ्लैट के साथ साथ सारी चीज़ें कवर अप नहीं होती। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट कैसे, क्लब हाउस इज ऑपरेशनल विद ऑल द अमेनिटीज, बास्केटबॉल, टेनिस, स्पा, स्विमिंग पूल, यू जिम, यू नेम एनी अमेनिटी, दैट इज़ ऑल इन अवर क्लब हाउस एंड एज आई मेंशन्ड इट इज़ ऑपरेशनल। सो द बात कहते हैं भी बोलकर तो चलो, ये तो वीडियो में हम दिखा रहे हैं तो वीडियो में एक लिमिटेड सी चीज़ आपको दिखा सकते हैं। तो अगर आप खुद आए देखें
तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, देखकर जो मज़ा आएगा आपको, डेफिनेटली यू विल लव द प्रोजेक्ट। और प्राइसेस आर वेरी, मतलब आप आएंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी कि प्राइसेस बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट, बहुत अच्छे प्राइसेस में, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छा बिल्डर। और एक कस्टमर को, एक एंड यूज़र को और क्या चाहिए।